माहौलियाती तब्दीली एक आलमी खतरा है। अगर आज हमने इस्लाही इकदाम ना उठाए तो हम आने वाले कल का सामना नहीं कर पाएंगे। What I loved about Pakistan was its wilderness, its mountains. I would make sure that we preserve this God-given beauty of our country. We started one of the most ambitious campaigns to plant 1 billion trees in 4 years. And against all odds, we did it. So when I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. मेरे गांव का नाम सोनमियानी है। मैं कार्ड पाकिस्तान में काम कर रही हूं। 30,000 हम लोगों ने पौधे लगाए, 2,000 ख्वातीन ने। अब हम लोग ख्वातीन जो है वो मर्दों के शाना पशाना काम कर रहे हैं। ये बलोच औरतें जाकर निगरानियां करती हैं, ऊँटों को भगाती हैं, बकरियों को भगाती हैं, उनकी नस्ल जो पौधों को ख़त्म नहीं करती और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या वजीर पाकिस्तान, आज जो मशीनें हमें मिली हैं उससे उन बच्चों ने अपना काम किया, अपनी बचत की। जो पहले दर्जियों के कपड़े देती थी, अब बैठे बैठे घर पर अपना रोजगार कर रही हैं। हमारा 3 लड़की है, 1 लड़का है, वो लड़का भी 7 साल का है। हमारा शौहर भी बीमार है। ये मशीन हमको इमरान खान दिया। हमारा हाथ का काम होता है, बच्चे का कपड़ा सिलाई करता है, बच्चे को पहनता है, हम खुद भी पहनता है। हाँ, दूसरा भी हमको देता है, भाई ये कपड़ा सिलाई करो, 200-300 हमको मिलेगा। ये भी हमारा चीनी आटा होता है। पहला है तिमिर ना पड़वा अब तक पहला कस्सा नचा रहता अनु इब्राहिम का नंबर रोजगार दाता अम्मा जिंदगी भर मिशी क्या ला भी खनो जैनानी पैगाम आ दई। हाँ, शिमा भी मेहनत करे, शिमा भी पुच्छा दस्ता सिलाई करे, ती कसे गिसेरो बर्तने मुशी, कसे तरह नाना दपा रहे दा, कसे कपड़े शोदा, कसे तरह दुस्स दा, कस कसाने जागा अम्मा आवाना भी सन्नत दया करो। गरीब क्या ला, गरीब राने मन नाना वरगा, मुर्ची आई गि संगार नहीं है, आटा नहीं है, जा उसको भी 2 रोटी दो। हम लोग खुद गरीब है, हमारा दिल अमीर है। मेरा नाम राशिद रशीद है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ बेल्डर में काम कर रहा हूँ नर्सरी में, जहाँ पे हम लोग मैंग्रोव्स की सीडिंग करते हैं। सीडिंग के बाद यहाँ पे एक पौधा ग्रो करता है जो छोटी साइज का होता है, तकरीबन 1-2 फुट के अंदर। फिर हम लोग वहाँ उस पौधे को नर्सरी से ट्रांसफ़र करके डीप सी में ले जाते हैं, जहाँ पे ये पौधे जो है वो एक बड़े फॉरेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी घना जंगल बन जाता है। इससे ही हमें ये फ़ायदा होता है कि ये जंगल जब बनता है तो हमें नेचुरल जो डिज़ास्टर होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे साइक्लोन हो गया या सी इरोजन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की भी प्रोटेक्शन होती है, जैसे कि श्रिम्स हैं, वो यहाँ पे आके अपनी चे वगैरह देते हैं जो ग्रो करके फिर बाद में डीप सी में चले जाते हैं। इसके अलावा क्रेब्स यहाँ पे आते हैं। ये फॉरेस्ट फिर बाद में बर्ड्स के लिए भी एक होम टाउन बन जाता है। छोटी मछलियाँ यहाँ बड़े समंदर में चली जाती हैं तो वहाँ पे लोकल माहीगीर के लिए सस्टेनेबल फिशिंग का ज़रिया भी बन जाता है। ये जो है मैंग्रोव्स की प्लांटेशन शुरू की है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे इलाके के लोग हैं, इनका रोज़गार का ज़रिया ये फिशिंग है, और फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे फिशिंग की बड़ी तड़ी होती है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। जी मेरा नाम है जावेद,
मैं महकमा जंगलात और इंगोल नेशनल पार्क के मुलाजमत हूँ। यहाँ पे मैं ये जंगली जानवर हैं इनकी हिफाजत करता हूँ। मुझे खुशी होता है, मेरा घर भी यहाँ पे है और मेरा ड्यूटी भी यहाँ पे है। मैं तकरीबन रोज़ अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ। तो यहाँ पे हर तरह के बंदे आते हैं, इनमें से शिकारी भी बंदे होते हैं, मशकूक बंदे भी होते हैं। हम सारा दिन अपनी ड्यूटी गश्त करते हैं, यहाँ पे जो गाड़ियाँ आते जाते हैं इनकी पीछा करते हैं हम। मेरा जो ज़िम्मेदारी है जानवरों की हिफाजत करना, कोई इनका शिकार ना करे, कोई इनको तंग ना करे। जहाँ पे हमें ये जो बकरे नज़र आते हैं, जंगली जानवर नज़र आते हैं, हम वहाँ पे बैठ के चर चर के ये इनका पेट भर जाता है, फिर ये जाते हैं पहाड़ों पे, फिर हम जाते हैं। सबर नाज हूँ, मैं इधर लोरा चौक के रहने वाली हूँ। इधर नर्सियों में 5-6 साल से काम कर रही हूँ। मेरे साथ 8-10 लड़कियाँ भी काम करती हैं और इधर से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छी सैलरी देते हैं, टाइम पे दे देते हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरी हेल्प करती हूँ क्योंकि इधर से मेरा अच्छा निज़ाम चलता है। अब मैं खुद 2 यूनिट नर्सरी की मालिक हूँ। सबसे पहले हम ज़मीन को सही सारा बिल्कुल सारा करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद भराई का काम शुरू होता है। टूपें भराई होती हैं, उसकी टूप में बीज डालते हैं हम लोग, टाइम पे पानी देते हैं जितना उसको ज़रूरत हो। उसके बाद साय की ज़रूरत होती है वो करते हैं, फिर छोटा मोटा घास होता है वो निकालते हैं। ये भी फ़ायदा है कि इज्जत से हम लोग इधर काम कर रहे हैं, कोई भी मसला नहीं है। जेंट्स ज़्यादा काम करते हैं, लेडीज़ ज़्यादा करते हैं, बहुत इज़्ज़तदार माहौल मिल रहा है। इस वजह से हमारे घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काम में। हर जमान में उम्र फारूक थे माके से कराचा के उम्र रोजगार पर मैं कहो और उस रागले में तकरीबन दाश पक का लगी गई दिलता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरा नगेबान ड्यूटी को मैं लगे आए माँ और दिलता कोर ख्वा के माँ और हर रोजगार दे और तनख्वाह मत मिलावेगी और जमा दे नगेबानी कार दे दे जंगल हिफाजत कबल दौर न बच कबल माल चराई ना बच का वालो न बूटी लगा वालो। इस बिलियन ट्री नामी मंसूबे से पहले हमारा इलाका जो था ये काफी बंजर था और यहाँ पर और इस मंसूबे के तहत यहाँ पर तकरीबन 25-26 लाख पौधे लगाए गए जो कि काफ़ी कामयाब हुए और इससे हमारे इलाके को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे इस वॉचमैन की थ्रू जो इस पहाड़ों की वॉचमैनी करता है, इससे भी हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। और इस पौधे को लगाने के लिए जो लेबर दरकार थी वो भी हमारे इलाके से ली गई। Involved the local communities. We first made them understand how important trees were for the future. We involved women in mountainous areas to grow nurseries, and it became one of the most successful campaigns in our country's history.